नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में आज सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की तरफ से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया गया, लेकिन इन सब के बीच में हम आपको पूरी लाइव कवरेज स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से डबवाली के हम आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से जैसे ही एमपी का काफिला डबवाली के चौटाला हाईवे से पूरे कॉलोनी रोड पर एंटर हुआ तो उसके बाद विरोध के जो सुर है वो शुरू हो गए थे, क्योंकि सबसे पहले जो दलित समुदाय की तरफ से हाथों में चूड़ियां लेकर सांसद का विरोध प्रदर्शन किया गया था, उन्होंने काले झंडे दिखाए और उसके बाद जैसे ही सांसद की गाड़ी है वो आगे पहुंची तो ठीक जो पंजाबी धर्मशाला के बीच में कार्यक्रम था उसके आगे ही कॉलोनी रोड पड़ता है, वहां पर आकर किसानों की ओर से जो उनका रास्ता रोका गया और करीब ये एक से दो मिनट की झड़प पुलिस के साथ किसानों की रही, जिसमें पुलिस बल भी भारी तौर पर यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए यहाँ पर लगाना पड़ा था, क्योंकि पहले से सीआईडी की रिपोर्ट है वो पुलिस महकमे तक पहुँची थी। लेकिन इन सब के बीच में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल की ओर से अपने कार्यक्रमों को निरस्त नहीं किया गया, लगातार उन्होंने पहले औडा में उनका पूर्ण तरीके से विरोध हुआ था, उसके बाद वो गोरीवाला उप तहसील में पहुँचे, उसके बाद वो मंडी डबवाली में पहुँचे। इन सब के बीच में कयास तो ये थे कि उनके कार्यक्रम शायद रद्द हो जाएंगे, मगर उन्होंने इस तमाम विरोध के बीच में भी आने में ही अपनी जो ज़्यादा भलाई समझी और वो लोग कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे, मगर एक दो मिनट के लिए बहुत ज़बरदस्त जो भिड़ंत है वो पुलिस और किसानों के बीच में हुई थी, क्योंकि जैसे ही सुनीता दुग्गल की जो गाड़ी है वो सबसे पहले आगे पहुंची तो किसानों ने गाड़ी का रास्ता रोकते हुए जोरदार तरीके से नारेबाजी की थी और उन्हें नीचे उतरकर उनकी बात सुनने को कहा, लेकिन सांसद ने इस तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीधे वो कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां पर करीब एक घंटे तक वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में मंथन हुआ, पार्टी की तमाम उन नीतियों को लेकर भी मंथन हुआ और उसके बाद जैसे ही किसानों की जिद थी कि वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, जिस रास्ते से सुनीता दुग्गल को लाया गया था दरअसल उस रास्ते को किसानों ने रोक कर विरोध जताया, लेकिन फिर पुलिस को दूसरे रास्ते में डाइवर्ट करना पड़ा पूरे काफिले को और फिर इसी जो रूट को बदलते हुए जो पहले चौटाला हाईवे की तरफ था उसको अब गोल बाजार की तरफ किया गया। तो निश्चित तौर पर आज का पूरा दिन विरोध प्रदर्शन का सिरसा में रहा, क्योंकि जिस तरीके से तीन कृषि बिलों के विरोध में पूरे देश भर में किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी कड़ी में सिरसा से एमपी सुनीता दुग्गल का एक दौरा रखा गया था पूरे डबवाली उपमंडल का, जिसमें तीनों ही मंडल आते थे, चाहे गोरीवाला की बात करें, ओडा की बात करें, हम डबवाली की बात करें, तो जिनमें से ओडा और डबवाली की बात करें यहाँ पर किसान हैं वो पहुँचे थे हाथों में काले झंडे लेकर और किसान इस बात को लेकर विरोध जता रहे थे कि जो तीन अध्यादेश पास किए गए हैं वो किसानों के विरोध में हैं, किसान उन्हें सहमति नहीं जताते हैं और सांसद को भी उनके बीच में आकर इस्तीफा देना चाहिए। मगर इन सब के बीच में जब हमने बातचीत सिरसा से सांसद से की तो उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा प्रोटेस्ट कांग्रेस की सह पर हो रहा है। आपको सीधा ले चलते हैं इस कार्यकर्ता सम्मेलन में, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आज का विरोध प्रदर्शन है वो किसानों की तरफ से किया गया। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे संगठन को लेकर है, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए और इसके साथ साथ जो तीन विधेयक आए हैं हमारे किसान बंधुओं के लिए उसके बारे में विस्तार से सबको बताने के लिए जो है आज हम लोग यहाँ पर आए। किसान विरोध कर रहे हैं आपका, टारगेट लिस्ट ये किसान नहीं है, आप जाकर उनका इंटरव्यू लें, आप किसी से भी बात करें, किसान नहीं है ये कांग्रेस पार्टी है जो 70 साल तक राज करती रही, जिसने कुछ भी हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं किया और इसीलिए जो है आज अपना धरातल खो चुके हैं, अपनी जमीन खो चुके हैं, इसलिए वो अपनी जमीन को वापस पाने के लिए एक ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो 100% नाकामयाब होंगे, क्योंकि किसानों को उन्होंने जो है वो मोहरा बनाया। मैं ये कहूंगी कि उन जिन्होंने घिनौना काम किया है उनको फांसी पर लटका देना चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी बेटी की तरफ देखते हुए 100 बार सोचे। इसका जितने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाए उतना कम है, बहुत ही घृणित कार्य ये हुआ है, लेकिन इसके जो अपराधी हैं वो किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए, उनको तुरंत के प्रभाव से जो है फांसी पर टांग देना चाहिए। हम आदित्य जी ने एक मुद्दे को उठा चुके हैं कि डबवाली को कम से कम पुलिस जिला बनाया जाए, अगर आपका भी नोट लगे तो मैम शायद ये सही। देखिए ऐसा है कि जो भी इसके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर बन सकता होगा तो हम कोशिश करेंगे और इसको बनवाएंगे। मैम एक डबवाली का मुद्दा है, जम्मू तो भी ट्रेन नहीं रुक पाई आज तक। जी मैंने पुरजोर कोशिश करी है और मैंने माननीय मंत्री जी को जो है इसके बारे में लिख के भी दिया है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये अभी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टॉपेज हैं
उन सब की एक तरह से जो है विवेचना कर रहे हैं और उसमें अगर पॉसिबल होगा तो 100% मिलेगा यहाँ पर स्टॉपेज 100%। देखिए उनको 25 साल हो गए, एक मिनट के लिए, उनको 25 साल हो गए सांसद बने हुए। मुझे अभी कितना साल हुआ है, एक साल हुआ है। एक साल में आप सोचें कि मैं निहाल चंद जी की बराबरी कर लूं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ज्यादती होगी मेरे साथ। 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है, काले कानून बनाए गए हैं, उन्हें काले कानूनों के वास्ते सरकार ने इन्हों लोगों की ड्यूटियां लाई अपने MP दियाँ, अपने वर्करा दियाँ, अपने MLA दियाँ। पिंडा च जाके वो किसान विरोधी, वो जन जन विरोधी कानूनों इन्हों लोगों ने अपने आप साढ़े ते भारू करने वास्ते, अपने आप नू झूठे कानूनों काले कानूनों सच्चा करने वास्ते इन्हां दी ड्यूटियां लाईआं। ये आके उस झूठ के पटारे नू साढ़े कोले खोलदे आ, साड़ी प्रेस नू साढ़े लोगों च प्रचार करदे आ बई ये तां असीं बहुत वधिया कानून बनाए आ किसान वास्ते। एक पैसा किसान नू इस दे नाल फायदा नहीं, किसान की मौत दे वरंट आ जिहड़े उन्हां ते साइन करके आए आ, असीं इहदे करके इहनां दा विरोध करदे आ, खुल के करांगे। पहले तो सांसद खुद दसे भी वह किसान है, जे वह किसान नहीं तो उन्होंने को किसान का कानून, किसान वास्ते कानून बनाने का अधिकार क्यों है? अगर किसान वो नहीं साढ़े वास्ते उन्होंने गैर जरायत पेशा ने साढ़े वास्ते कानून क्यों बनाया? पहली गल। दूजी गल, बिल्कुल असी किसान हाँ, किसान के बेटे हाँ, पर मैं उन्होंने एक सवाल पूछदा कि किसान के बेटे नूं, किसान के बेटे नूं खेत च रखना वो संसद च क्यों नहीं जा सकता? असी संसद च जावांगे, उन्हां लोकां नूं बाहां फड़ के कढ़ांगे जिहड़े साडे विरोधी, साडे बच्चे भी उत्थे बैठे आ, 150 MP जिहड़ा बैठा सी उन्हां नूं भी कढ़ांगे, मोदी नूं भी गल फड़ के कढ़ांगे, राजनाथ नूं भी गल फड़ के कढ़ांगे, तोमर नूं भी गल फड़ के कढ़ांगे, जो भी आ साडी विरोधता करूगा, साडे विरोध कानून बनाऊगा, संसद तक जावांगे, बिल्कुल लड़ाई लड़ांगे, सड़क ते असी लड़ांगे, खेत च असी लड़ांगे, संसद दे विच भी जाके लड़ांगे। जे वह चाहते हैं तो असी खेत दे विच हल वाहुंदे आ, जे खेत च उन्हां नूं हल साडा बुरा लगता है असी संसद च जाके हल जोड़ लैंदे आ, जे किसान बन जाएंगे तो। सर आपको जुगल देख के भाग जाती है, आपको लगता है आपसे बातचीत करनी चाहिए खड़े होकर, आप उनके बीच में आ जाना चाहिए आपको? कभी चोर सदा ही भागते हैं, औडा गाँव में चोरी सी आई, 3 छड़ के 4 रास्ते बदले, 4 जगह पे रास्ते बदल के जिस गेट से बड़ी उस गेट से नहीं निकली, बैक गेट से निकली। ये कोई, ये सरकार है क्या? सरकार ऐसी होती है? ये चोरों की सरकार है, चोरी 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 चोरी। देखो जी, सब तो वड्डी गल, अज इन्हां दा ओडा च भी विरोध होया, उत्थे भी यह किसान शांतमई ढंग दे नाल दा विरोध कर रहे सी। किसानां दा कहना सीगा जे यह सच्ची साडी हमदर्दा साडे विच बैठ के साडियां मुसीबतां सुणे, जिहड़े इन्हां ने 3 काले कानून लेके आंदे सानूं दसे भी किहड़े हिसाब नाल उह चंगे आ। पर तुसीं सारे मीडिया दे वीरां ने भी देखिया, चोरां वांगू इत्थों भजदी नजर आई आ, जिथों यह साबित होंदा है डरपोक सरकार काले कानून साडे किसानां ते थोप रही आ, आम वर्ग नूं तंग करन वाले इह काले कानून आ, तां इह कदे भी किसान हमेती नहीं हो सकदी। साडे सामणे अज चोरां वांगू भजदी होई इत्थे नजर आई आ। आप उनसे बात करना चाहते थे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। असी क्या सी भी किसान शांति नाल आपदी गल करनगे, साडे कोले इत्थे आके बैठे साडे सवालां दे जवाब देवे, पर किते ना किते चोर सी उहनां कोले इहनां सवालां दे जवाब नहीं सी, तां ही उह चोरां वांगू आपदा रास्ता बदल के अज इत्थों भज्जी आ। कहना यह चाहवांगे जी, असी जिवें आपां राजा चुणदे हैं, राजा चुणदे हैं भी आपां प्रजा नूं सुख देण वास्ते, जिहड़ा राजा प्रजा नूं सुख नहीं दे सकदा, पहली तो गल आ, वो राजा कहाउण दे हकदार ही है नहीं गा। जिहड़ी वह कुर्सी पर बैठा है उन्हूं आपदे शर्म के नाल ही कुर्सी वह छड्ड देनी चाहिए है, भी जिवें मैनूं प्रजा ने चुन के भेजा सी, मैं उत्थे खरा नहीं उतर सकिया तो मैं इस्तीफा दिना। जे इन्हां कोले माड़ी मोटी शर्म होवे, पर यह मैं ना किसी पार्टी का बिना किसी पार्टी तो हक लेना कहना भी यह बेशर्म पार्टी है, इन्ने बेशर्म लीडर इस पार्टी के मैं अपनी जिंदगी अज तक नहीं वेखे, तो इन्ने झूठ जिन्हें मोदी ने मारे है जहाँ लीडर ने मारे है, अज तक किसी लीडर ने किन्ने इन्ने झूठ नहीं मारे जिन्हें इन बंद ने झूठ मारे है। ठीक है जी, फिर जे ये बिलों का कहें भी बिल थोड़े किसानों के हक च है या किसी भी हक च है, जे किसानों के हक ची ये बिलों का सानू दसन आए थे भी थोड़े कि गल हक च है, साढ़े नाल गल करते सानू सैटिस्फाई होंगी, असी इन्हों का विरोध नहीं करना, सी इन्हों का साथ देना सी, क्योंकि इनकी मंशा ही संदिग्ध है, इनकी मंशा ही गलत है,
इनकी मंशा ही नहीं है कि किसान हिताची कानून बनाया जाए। अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये सिर्फ एक लाइन कि एमएसपी या एमएसपी से कम बेचने वालों के ऊपर सजा का प्रावधान कर देते, लेकिन इनकी मंशा संदिग्ध है। इनकी मंशा कॉरपोरेट के हक में जाने की है, इसलिए और आज का प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा किसानों ने मांग की थी कि हमारे बीच आए, हमारी बात सुने, अगर वो बिल सही है तो अपनी बात रखे, हमें संतुष्ट करें, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं आई। इसका मतलब उनके मन में चोर है, वो सिर्फ बहकाने के लिए यहाँ पे आई थी और यहाँ से चली गई है।